बीजेपी की विश्वास रैली पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेएमएम ने रैली को फ्लॉप बताया है, साथ ही इसे आदिवासियों के साथ किए विश्वासघात की रैली करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने मांडर उपचुनाव को लेकर इसे बीजेपी की रैली बताया है। विश्वास रैली पर सियासत, जेएमएम ने बताया रैली को फ्लॉप, कांग्रेस ने भी साधा बीजेपी पर निशाना। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली में बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा, जिस पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम ने बीजेपी की विश्वास रैली को पूरी तरह से फ्लॉप करार दिया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी की विश्वास रैली नहीं बल्कि आदिवासियों के साथ किए विश्वासघात की रैली थी। 5000 लोग, जिसमें तो लगभग 32 कलाकार मंडली थी, तो 2500 तो वैसे हो गए, 500 सुरक्षा कर्मी थे, और आदिवासी कितने थे। आज का उनका रैली विश्वास रैली नहीं था, आदिवासियों के साथ किए गए विश्वासघात रैली था। जेएमएम ने बीजेपी के विश्वास रैली में 5000 से भी कम भीड़ होने का दावा किया। इतना ही नहीं, जेएमएम ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के लिए आयोजित विश्वास रैली में जोहार शब्द भी नहीं बोला गया। पूरे रैली में यदि आप देखिएगा, आदिवासी शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वहां पर तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भाषण देने का काम किया। किसी ने भी जो यहां का जो मूल अभिवादन है, जोहार तक नहीं कहा। कांग्रेस ने भी बीजेपी के विश्वास रैली पर निशाना साधा, साथ ही कहा कि मांडर उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी की इस रैली पर सवाल उठते हैं कि कहीं यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं है। इससे पहले 2.5 साल तक तो कोई आया नहीं, कोई आदिवासियों को पूछने वाला नहीं था। आज मांडर चुनाव हो रहा है तो रांची के मोराबादी मैदान में आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमें देखना होगा कि चुनाव के आचार संहिता के दायरे में तो नहीं आता, क्योंकि आपने आज एक बड़ी रैली की है और उससे कितना चुनाव प्रभावित होता है, उस पर जो करोड़ों रुपए आपने खर्च किए हैं वो क्या चुनाव के खर्च में जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। जाहिर है बीजेपी की विश्वास रैली पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां रैली को सफल बता रही है, वहीं दूसरी ओर जेएमएम ने रैली को फ्लॉप करार दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से अंजनी के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।